हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैबिथ रवि चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि एंड्रॉयड क्यू की नई अपडेट आती जा रही है और एंड्रॉयड क्यू में एक बीटा 5 अपडेट आ गई है और जल्दी इसकी फाइनल रिलीज भी आ जाएगी। तो फाइनल रिलीज से पहले इसके में नए नए चेंजेस किए जा रहे हैं जो कि गेस्चर से संबंधित हैं, जिसमें गेस्चर नेविगेशन बार में कुछ चेंजेस इस तरीके से किए गए हैं कि एप्लीकेशन के बिहेवियर को बदला जाए। एप्लीकेशन में जो गेस्चर का यूज होता है, तो एंड्रॉयड की नई नई ऐप्स आती हैं, उनमें गेस्चर का यूज़ किस तरीके से किया जाए, इस बारे में आज मैं बताने वाला हूं। तो इसमें रोज नए डेवलपमेंट हो रहे हैं और लोगों से सजेशन भी लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से एंड्रॉयड क्यू की गेस्चर्स को चेंजेस किया जाए और उसके बिहेवियर को कैसे बदला जाए। तो अगर बात करें गूगल इस तरीके से प्रयास कर रहा है और उसके डेवलपर भी इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि नेविगेशन बार के व्यवहार को किस तरीके से बदला जाए, नेविगेशन बार में जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं उनको किस तरीके से नए नए चेंजेस किए जाएँ। और इसमें गूगल काफ़ी कंफ्यूज भी हो रहा है और नए नए प्रयोग इस पर किए जा रहे हैं और लोगों से सलाह भी मांगी जा रही है कि नेविगेशन ड्रॉज को किस तरीके से चेंज किया जाए। तो इसमें गूगल के एक डेवलपर हैं जिन्होंने गूगल के डेवलपर रिलेशन के सदस्य हैं क्रिस बेंस, उन्होंने भी एक सलाह दी है कि एंड्रॉयड क्यू के जो आगामी 5वें बेटा वर्जन आने वाला है उसमें आपको जो नेविगेशन बार इशारे से चलता है उसके चेंजेस को किए जा रहे हैं, जिसमें आपको पीकिंग द्वारा नेविगेशन डार को खोल सकते हैं आप आसानी से, जो कि आप पहले नहीं खोल पाते थे। नेविगेशन डार को टैप करने से या इसके बाद से बाहर आना चाहते हैं तो सिर्फ आप एक टैप पर ही से बाहर आ पाएंगे। पहले इसके लिए आपको नेविगेशन बार के मिडिल में जाना पड़ता था, अब इसमें टैप से ही आप बाहर कर सकते हैं। तो कहीं से भी आप 2 बार टैप करेंगे तो इससे बाहर आ सकते हैं। हवाई ने भी इस पर काफ़ी जोर डाला था कि इस तरीके के चेंजेस किए जाएँ, तो हवाई कंपनी की तरफ से भी इसी तरीके से उन लोगों ने भी इस परिवर्तन के लिए धन्यवाद किया है। जैसे कि अजीब सा जो स्वाइप सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया गया है, कि जो स्वाइप से आप इधर उधर जाते थे लोगों को इस ये चीज़ कुछ खास पसंद नहीं आती थी, और अब स्वाइप सिस्टम को एंड्रॉयड क्यू की बेटा 5 अपडेट में पूरी तरीके से हटाया गया है। और इसमें अब जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं वो एप्लीकेशन के द्वारा किए जा रहे हैं, जो एप्लीकेशंस में जो भी एंड्रॉयड क्यू में बेटा 5 में जो भी नेविगेशन बार में जो स्वाइप का सिस्टम दिया है उसे पूरी तरीके से हटाया गया है और नेविगेशन बार में काफ़ी चेंजेस किए जा रहे हैं। और आप इस चेंजेस को इस फोटोज़ में देख सकते हैं कि इस किस तरीके से एंड्रॉयड का क्यू बेटा 5 में नेविगेशन बार के लिए चेंजेस किए गए हैं, जो कि वीडियो एप्लीकेशन या भी कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसमें जो चेंजेस हैं वो किए जा रहे हैं। ऑनर एक्स में भी इसमें चेंजेस किए गए हैं, जो कि 200 TP तक इसमें चेंजेस लाए गए हैं, जो कि API के एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए किया गया। और अभी तक अगर आप चाहें तो इसमें सजेशन दे सकते हैं कि इसे और चेंजेस आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये अब एंड्रॉयड क्यू की बेटा अपडेट जल्दी आने वाली है, बेटा 5 अपडेट। तो आपको ये अपडेट कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और गेस्चर की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई या नहीं इसे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।